राजस्थान में भी लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जयपुर में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अब 418 हो गई है, तो साथ ही राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 945 हो चुकी है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिवों की संख्या राजधानी जयपुर में है। राजधानी जयपुर में 418 कोरोना पॉजिटिव है, तो वहीं जोधपुर में 82, बांसवाड़ा और टोंक में 59, कोटा में 49, बीकानेर में 34, झुंझुनू में 31, जैसलमेर में 29, भीलवाड़ा में 28, भरतपुर में 20, झालावाड़ में 15, चूरू में 14, दौसा में 11, अलवर में 7, अजमेर में 5, उदयपुर में 4, करौली में 3, साथ ही पाली, सीकर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। धौलपुर और बाड़मेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जबकि ईरान से लाए 54 भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इटली के 2 नागरिक भी पॉजिटिव इनमें शामिल है। प्रदेश में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिवों की जान जा चुकी है। अब तक 133 ऐसे कोरोना पॉजिटिव हैं जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। ये राहत की खबर है। 133 लोग जिनकी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुके हैं। इनमें से 63 ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ मौजूद है। जी लोकेश, क्या स्थिति है प्रदेश की, नए मामले आज कितने आ चुके हैं और किस प्रकार से चिकित्सा महकमा इस जंग से लड़ने में जुटा है? जी बिल्कुल, राजस्थान में कोरोना को लेकर स्थिति वाकई में चिंताजनक होती जा रही है। आज 48 नए कोरोना का पॉजिटिव सामने आए हैं, जो सभी 48 के 48 जयपुर के रामगंज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सूचनाएं आ रही कि अभी जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोगों को रखा गया है उनमें से भी कई पॉजिटिव है वो सामने आ रहे हैं, उनको SMS अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। उसी तरह से बात करें तो प्रदेश भर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 945 हो गई है। इन्हीं में बात करें तो 5 जो प्रमुख जिले हैं जो कोरोना हॉटस्पॉट यानी कि जिनको माना जा सकता है, सबसे टॉप में माना जा सकता है, तो उनमें जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव 418 है। उसके बाद में जोधपुर की बात करें, जोधपुर में 82 कोरोना पॉजिटिव है, उनको वो सामने आ चुके हैं। उसके बाद में बांसवाड़ा और टोंक में जो 59 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इसी तरह 49 कोटा में भी कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो टॉप 5 जिले हैं राजस्थान के। इसी तरह 25 जिलों में जो कोरोना का जो दायरा है वो अब तक बढ़ चुका है। हालांकि जो कुछ जिले हैं वहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। बाड़मेर में जिस तरह से जयपुर के रामगंज है, जो वहां का प्राचार्य है वो वहां गया, उस दौरान वहां पे वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद में अभी हालांकि वहां पर भी कोई कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव मरीजों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर चिकित्सा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभाग के अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी तमाम जिलों के जिला कलेक्टरों को और जो तमाम अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का जो दायरा है उसको कम किया जाए। और उसी को लेकर जयपुर की बात करें तो हालांकि भीलवाड़ा मॉडल काफी सराहा गया है, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल जयपुर में लागू नहीं हो रहा और उसको लेकर एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो जयपुर में लाया गया है। और उसी के तहत बात करें तो 8 से 13 तारीख तक करीब 4000 से अधिक जो सैंपल है वो डोर टू डोर लिए गए। उसी तरह से अब जयपुर जिला प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग ने निर्देशित किया गया है कि वहां जयपुर शहर में अब जो 20000 जो सैंपल है वो लिए जाए, उसको लेकर पहले 10000 सैंपल लिए जाएंगे, उसमें 5000 आप जो परकोटा क्षेत्र में और 5000 सैंपल लिए जाएंगे परकोटा क्षेत्र के बाहर, ताकि जो नया जो कोरोना संदिग्ध मरीज है, पॉजिटिव मरीज है, उनकी पुष्टि हो। उन तमाम चीजों को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारी जयपुर जिला प्रशासन से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की प्लानिंग हो और जयपुर में संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाए। जी लोकेश, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हो रही है, भीलवाड़ा में वाकई में प्रशासन ने काम किया और अब वहां पर पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके उलट अगर देखा जाए राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या में कोई ब्रेक नहीं लग पा रहा है। उसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार हर दिन पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो क्या वो मॉडल यहां पर प्रॉपर उसी रूप में लागू नहीं किया गया क्या यहां पर, क्योंकि
14 अप्रैल तक लॉकडाउन में जनता रही है और इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है या तो लोग निकल करके संक्रमित मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं जिससे कि उनमें संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण होता तो ट्रांसमिशन नहीं होता, इतनी बड़ी संख्या में राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव निकल करके आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल को सभी ने सराहा गया, वहाँ पर जैसे ही एक साथ तीन कोरोना पॉजिटिव मिले वहाँ भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया। और उसी तरह जयपुर की बात करें, जयपुर में रामगंज में जैसे ही ओमान से आया गया व्यक्ति कोरोना की उसकी पुष्टि हुई, उसके सिम्टम्स आए, उसके इनकी जाँच की गई तो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, लेकिन तब तक वो सैकड़ों लोगों से संपर्क में आ चुका था और सैकड़ों लोगों को संक्रमण दे चुका था, जो एक इनकी बड़ी खामी है जो यहाँ पे वो सामने आ रही है। लेकिन हालांकि जिस जैसे ही कोरोना पॉजिटिव सामने आया, चिकित्सा विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए जो पूरे एरिया रामगंज एरिया को सीज किया गया और वहाँ पे डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग है वो शुरू की गई और लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया। हालांकि देखिए रामगंज से एक और राहत की खबर ये और सामने आई है कि जैसे ही पहला पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, पहले दो पॉजिटिव आए थे, उनके बाद संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन था, उनमें से 35 लोगों को जिनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनको देर रात तक रामगंज के क्षेत्र में अपने अपने घरों में भेज दिया गया, जो एक रामगंज के लिए रात की खबर कही जा सकती है। लेकिन अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस है वो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से डोर टू डोर जो सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है और उसी में अधिकतर जो पॉजिटिव केस है वो सामने आ रहे हैं। उसी तरह बात करें जोधपुर की, जोधपुर में भी जो अभी जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वो नागौरी गेट क्षेत्र और जो पहले पॉजिटिव जो केसेस सामने आए थे उस क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े थे लोकेश ओला, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी प्रदेश में किस प्रकार का संक्रमण फैल रहा है, किस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है लगातार।